ये जो ऑयल लीकेज हो रहा है, गियर शाफ्ट की ऑयल सील कट गई है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है। ये छोटी सी ऑयल सील है और ये देखिए यहाँ पर कितना लीकेज हो रहा है, एक बार नीचे से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से कितना गंदा हो रहा है, वो सिर्फ उस ऑयल सील की वजह से। इसको चेंज करना छोटी सी बात है, जल्दी से चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप इसको चेंज कैसे करना है उसका भी एक तरीका होता है, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ, आप फिलहाल उससे देख लीजिए, उसके बाद में बताते हैं इसका जो तरीका है सही वो क्या है। और जब तक मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है और आपने वो स्क्रीन शॉट देखा है, अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए और ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि जो बंदा उस चीज़ को चेंज कर रहा है ना, वो भी मैकेनिक ही होगा जो कि 2-3 से 4 बार चेंज कर चुका है और वो ऑयल सील जो है बार बार लीकेज हो जा रही है। वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से ऑयल सील को डालना है जो कि लीकेज नहीं होगी वो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 8 नंबर का बोल्ट लगा है उसे खोल लेंगे। हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है, अगर उसको गलत तरीके से लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये रहा, लीवर को बाहर करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑयल सील को निकालेंगे और इसमें भी ऑयल सील गलत तरीके से लगी है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा ये बाहर की तरफ हो गया है, इधर से लगाते टाइम जब हम ऑयल सील को डालते हैं तो ऑयल सील पलट जाती है, तो जो उसका मतलब पॉइंट होता है जो साफ को पड़ता है वो आगे की तरफ आ जाता है और यहीं पर ऑयल सील ये फेल हो जाती है। अब इसको कैसे डालना है जो कि अच्छी तरीके से ये लगे और दिक्कत भी ना करे, तो चलिए मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से इसको ड्राइवर डालना है और बाहर कर लेना है। ये हो गई बाहर, इसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल के कपड़ा वपड़ा क्लीन कर लेंगे, वो मैं क्लीन करता हूँ पहले। तो जब हम इसको शाफ्ट को क्लीन कर लेते हैं तो ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, और जब हम इसको ऑयल सील को यहाँ से लगाते हैं तो ये जो हिस्सा है ये वाला, देखिए ये वाला, ये मुड़ जाता है और मुड़ के बाहर की तरफ हो जाता है जिससे ऑयल लीकेज होने लगता है। और ये ज़्यादातर किक शाफ्ट में होता है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होता है, किक शाफ्ट का जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्ग होता है, और हम जब यहाँ से डालते हैं तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, इसके लिए वो बार बार लीकेज होता है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ऑयल सील को डालने से पहले ऑयल सील में पीछे थोड़ी सी ग्रीस लगानी है ताकि ये लुब्रिकेट हो जाए और साफ इसको पकड़े नहीं। जब साफ ड्राई हो जाएगा और हम ऑयल सील को ऐसे ही बगैर ग्रीस लगाए डालेंगे उस टाइम पे साफ इसको पकड़ेगा और ये पीछे की तरफ को बैंड हो जाएगी, इसका जो ये है जो हमारे ऑयल को लॉक करती है। तो अब मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, इसके पीछे स्प्रिंग नहीं होता है, बहुत से ऑयल सील के पीछे स्प्रिंग भी होता है, तो वो स्प्रिंग भी उस सिचुएशन में निकल जाती है जिससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। स्प्रिंग को एक बार निकल गई फिर से लगाए तो वो लूज हो जाती है। और अभी ऑयल सील अच्छी तरीके से बैठ चुकी है, देखिए यहाँ पर। एक बार मैं इसको ग्रीस इसका क्लीन कर देता हूँ पीछे से।
अब देखिए जब हम इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं तो वो पॉइंट जो रहता है वो पलटता नहीं है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये जो आप ऑयल सील के बाजू में देख रहे हैं, इस शाफ्ट में लगा हुआ जंक है, ऑयल सील का जो पॉइंट है वो पलटा नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो ऑयल सील कभी भी लीकेज नहीं होगी। चलिए मैं एक बार इसको पूरा फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करना क्या, लीवर लगा देता हूँ, हो गया अभी ये। और ये जो मैंने इसमें बताया है ये कोई नई बात नहीं बताया है, ये सभी लोगों को पता होता है, लेकिन लोगों को काम के टाइम में जल्दी बहुत होती है, उल्टा सीधा ठोक दिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उल्टा सीधा काम कर दोगे तो उसका जो मतलब परिणाम होगा वो भी उल्टा सीधा ही होगा। तो कभी भी इस तरीके से आपको काम करना होता है, अपने काम में कभी भी जितना हो सके अच्छा तरीका यूज करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्दी मिल रहे हैं हमारी दूसरी वीडियो में। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है हमसे तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।